लॉकडाउन 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल समय रहा, मेंटली एंड फाइनेंशियली दोनों। कोरोना ने लोगों का ही नहीं बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी और मार्केट को भी काफी चोट पहुंचाई है। Wait a minute. क्या आपको उन कंपनीज के बारे में पता है जिनको इस लॉकडाउन से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ और इनकी ग्रोथ काफी अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ गई? तो हेलो दोस्तों, अमेजिंग टॉप 10 स्वागत करता है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको स्टॉक के हिसाब से सेलेक्ट करी हुई 2020 में वर्ल्ड की 5 बिगेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इन कंपनीज में, जब बाकी पूरी दुनिया सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही थी तब पेंडेमिक में इनके बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही हुआ? काफी कंपनीज पहले से ही अच्छा कर रही थी और कोविड में उन्हें बस कंपटीशन मिला जिसने उनके बिजनेस को बस बढ़ाया और कुछ कंपनीज लक की वजह से भी अनबिलीवेबल एक्सपेंड हो पाई। लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे मोस्टली सबकी फिटनेस खराब ही हुई, तो हमारी लिस्ट की 5वीं कंपनी पेलेटॉन को इसी का फायदा हुआ, जो एक एक्सरसाइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वैक्सीन की न्यूज जब बाहर आई तो इस कंपनी की सेल्स और इसके स्टॉक्स दोनों को एक मेटेरोइक राइज मिला। 2020 में कहा स्टार्टिंग ईयर में पेलेटॉन का शेयर $30 पर शेयर पर ट्रेड हो रहा था, अचानक से अक्टूबर में $130 पर शेयर पर ट्रेड देखा गया। समझ रहे हो ना दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम एक्सेट्रा, बट मीटिंग्स की जरूरत तो पड़ती ही है। अब बारी है नंबर 4 कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी, जिसकी ग्रोथ का टाइम आ गया था। कहां साल की शुरुआत में $70 वाला शेयर 350% ग्रोथ के साथ ईयर एंड में $500 पर शेयर पर दिखा। पर वेट अ मोमेंट, कंपनी को सक्सेस तो मिली लेकिन सिक्योरिटी को लेकर काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज के साथ इसका बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया है। बारी आ गई है नंबर 3 की, जिसको प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना घर के सामान की लिस्ट बनाना। ऑनलाइन शॉपिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली अपने जेफ भैया की कंपनी अमेज़न है। वैसे इस कंपनी की ग्रोथ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं है, ये स्टार्टिंग 2020 में इसके पर स्टॉक वैल्यू $1800 थी, बट ये अब $3500 पर स्टॉक जितनी हाई चली गई थी। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अमेज़न को गजब एक्सेलरेशन मिला इस लॉकडाउन में। और तो और अमेज़न की जगह तो लिस्ट में बनती ही थी दोस्तों। अगर हम अपनी लिस्ट के कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट्स बताएं तो हमने देखा कि निश रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनीज रियल विनर निकली, और टेक कंपनीज जो आसानी से बिजनेस मॉडल को चेंज करके पेंडेमिक नीड्स पूरा कर सकती थी उन्होंने मेनली विनर सर्कल को रिप्रेजेंट किया। लोगों की लाइफ को आसान बनाओगे तो सक्सेस मिलेगी, ऐसा ही नंबर 2 की कंपनी ने किया कैश को हटाकर डिजिटल पेमेंट से, पेपाल। 1999 में एलन मस्क ने फाउंड की X.com, जिसे 2002 में ईबे को बेच दिया गया, जिसने इसका नाम पेपाल से रीनेम किया। पेपाल ने 100% शेयर ग्रोथ दिखाया 2020 में, $100 से सीधा $200 पर ट्रेड हुआ। ये स्टॉक आगे भी अनएक्सपेक्टेड है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, क्या ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा? तो दोस्तों नंबर 1 पर आती है वह कंपनी जिसने एलन मस्क को बनाया है दुनिया का सबसे अमीर इंसान, तो हाँ दोस्तों टेस्ला। वैसे तो पेंडेमिक से इसका कुछ खास लेना देना नहीं है, बट फिर भी इस कंपनी का पर शेयर प्राइस 100 या 200 नहीं बल्कि 300% नहीं बल्कि 600% बढ़ गया था, जो ईयर एंड में $700 पर स्टॉक पर ट्रेड हो रहा था, जबकि इस कंपनी का कार मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा हिस्सा है। काफी जॉइंट इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये एक टेक बबल है जो जल्दी ही ब्लास्ट होगा और इसके शेयर जल्दी ही नीचे आएंगे, बट अपनी ग्रोथ के कारण ये नंबर 1 पोजीशन तो डिजर्व करती ही है। वैसे तो एप्पल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट 2019 के उसके गेन को देखकर 2020 ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। और हाँ दोस्तों, हमने जिन भी स्टॉक्स को इन लिस्ट में कवर किया है जरूरी नहीं वो इस साल भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। अगर आप हमारी लिस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल अमेजिंग टॉप 10 को सब्सक्राइब भी करिए।